यूज ऑफ अबाउट टू, अबाउट टू माने ये जब यूज करते हैं जब कोई काम होने ही वाला हो, ठीक है, जैसे कोई आने वाला है, ट्रेन जाने वाली है, ठीक है, होने वाला मतलब होने ही वाला है अभी अभी थोड़ी देर में, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस है, अध्यापक आने ही वाला है या अध्यापक आने ही वाले हैं, एक ही टीचर के लिए है, रिस्पेक्ट में हवाले कर सकते हैं। तो अध्यापक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीचर। तो किसी को जो कहने वाला है उसका मतलब कोई स्पेशल टीचर के लिए कह रहा है ना, तो द लगेगा, द टीचर, द टीचर इज अबाउट टू कम, इज अबाउट टू कम। अब देखिए इज अबाउट टू है लगा है तो इज होगा, अगर आने ही वाला था तो वाज अबाउट टू कम, ठीक है, आने ही वाला था तो वाज अबाउट टू कम। बाजार बंद होने वाला है, मार्केट, द मार्केट इज अबाउट टू बी क्लोज, इसमें याद रखिएगा द मार्केट इज है लगा ना, इज अबाउट टू बी क्लोज्ड, बंद होने ही वाले हैं, यहाँ पे भी अपनी तरफ से लग जाएगा, होने वाला है ना, होने जब लग जब देखिए होने लफ्ज़ लिखा होगा तो बी ज़रूर आएगा, ऊपर वाले में होने लफ्ज़ नहीं है, ठीक है। वो स्कूल जाने वाला है, इसका बताइए, ही इज़ अबाउट टू, ही इज़ वो, इसलिए ही हो गया है, तो इस जाने वाला है, अबाउट टू जाने को कहते हैं गो, कहाँ जाने वाला है, स्कूल। इसकी ट्रिक देखिए समझने की, अब देखिए ट्रिक वाइज बता रहे हैं, सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लिखेंगे, ही की, दूसरे नंबर पे है की लिखेंगे, तीसरे नंबर की वाला की लिखेंगे, चौथे नंबर पे जाने की लिखेंगे, पांचवें नंबर पे इसकी, शुरुआत यहाँ हुई फिर यहाँ पे चले जाएंगे, ही, फिर है की इज, वाला की अबाउट टू, फिर जाने की गो, फिर पाँचवें नंबर पर स्कूल। ये ट्रिक समझ में आई? ट्रेन रुकने ही वाली है, इसके बताइए, तो ट्रेन नंबर वन पे, ये टू पे, वाली थ्री पे, ही वाली मतलब, और ये फोर पे, द ट्रेन इज़ अबाउट टू स्टॉप, इसका क्या होगा, पार्टी शुरू ही होने वाली थी, तो पार्टी वॉज अबाउट टू स्टार्ट, द पार्टी वॉज अबाउट टू स्टार्ट, थी ना, मैं हाई स्कूल उत्तीर्ण करने ही वाला हूँ। अब इसका आप बताइए कमेंट में, उत्तीर्ण माने होता है पास, पास होने वाला ना, ठीक है, करिए इसका आंसर, ठीक है।